दोस्तों नमस्कार, मैं डीजे मिशन जान बाबू। ये मेरा जो चैनल है ये फॉल्ट हो गया था, तो मैंने सूरज भैया से बताया प्रॉब्लम। उन्होंने बोला तो अभी ये ठीक हो चुका है, आपको मैं टेस्टिंग दिखा सकता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सीरीज का मशीन है जो चलते चलते प्रोटेक्शन में चला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आवाज़ एकदम ख़राब मिलता है, एकदम फटा फटा साउंड वहाँ पर सुनने को मिलता है, या क्लियर ऑडियो नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में मशीन में आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसी मैटर में आज का ये टॉपिक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सामने वीडियो है LX-4500 का, जिसमें हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर में से एक भाई हैं, जिनका LX-4500 पे साउंड बहुत ही ख़राब मिल रहा था, मतलब क्लियर वॉइस वहाँ पे सुनने को नहीं मिल रहा था। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर आप पीछे स्पीकर कनेक्टर को देख सकते हैं, जो कि बाइंडिंग पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों पोर्ट जो है इसके जले हुए दिखेंगे, और साथ ही साथ ये अंदर का वायरिंग देख सकते हैं जो कि हीट होकर जल चुका है। ऐसा कंडीशन मशीन का तब होता है जब आपका वायरिंग कहीं पे शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट, या फिर अगर आपने मशीन को ओवरलोड या काफ़ी गलत तरीके से यूज़ किया हो। फिलहाल इनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाई ने जो है हमें व्हाट्सएप पर थैंक यू भी बोला, और प्रॉपर उसके लिए एक वीडियो बनाकर हमें शेयर भी किया है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ये वीडियो के ज़रिए उस प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए, मैं इसका मेन प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका साउंड टेस्टिंग आपको सुनाता हूँ। मशीन का कंडीशन कुछ ऐसा था जब प्रॉब्लम था मशीन में, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कंडीशन तब होता है जब मशीन को गलत तरीके से यूज़ किया जाए, मतलब इस पे भाई के जो स्टाफ मेंबर हैं वो गलती से 6 टॉप या कह सकते हैं कि एक ही चैनल पर 3 टॉप यूज़ किए थे, जिसके वजह से मशीन तो ख़राब नहीं हुआ लेकिन एक प्रकार से फॉल्ट तो आया ही इसमें, तो कह सकते हैं कि ख़राब हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मशीन जो है इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया था, लेकिन क्योंकि मशीन 1 ओम पर चल रहा है, 1 ओम्स पर चल रहा है, 3 टॉप मतलब 1 ओम्स हुआ, और 1 ओम्स पे मशीन को काफ़ी हैवी वायरिंग चाहिए, जबकि कंपनी है इसमें तो 2 ओम्स के लिए भी मना करते हैं, ज़्यादातर कंपनी जो है 2 ओम्स पे मना करती है अपने मशीन को रन करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस मशीन को 3 टॉप एक ही चैनल पर चलाया गया, जिसकी वजह से इंटरनल इसका जो वायरिंग होता है आउटपुट का वो जल चुका था और बॉडी में शॉर्ट हो गया था, जिसके वजह से ऑडियो तो जा रहा था लेकिन एकदम बेकार साउंड वहाँ पे सुनने को मिल रहा था, मशीन हीट भी हो रहा था और 5 से 10 मिनट चलाने के बाद ये प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा था। तो जैसा कि मशीन में कंपनी क्लेम करती है कि ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसमें दिया जाता है, जो कि बिल्कुल वर्किंग है दोस्तों। अगर आपका मशीन में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तब के टाइम पर मशीन प्रोटेक्शन मोड में जाएगा ही जाएगा, या फिर ऐसा तब होता है जब आप गलत वायरिंग करेंगे या फिर स्पीकर वगैरह लोकल क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो वो गर्म होकर पिघल जाता है या शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, मशीन को अगर आप 2 ओम्स पे भी रन करते हैं तो वायरिंग का प्रॉपर ध्यान रखें, और अपने मशीन को हो सके तो बिल्कुल अंडर लोड ही चलाएं, चाहे वो 4 ओम्स हो या फिर 2 ओम्स पे आप इसे रन करें, मशीन को अंडर लोड ही चलाइए, मतलब मशीन का जितना कैपेसिटी है उससे कम लोड पर ही मशीन को रन करें। तो भाई के साथ यही प्रॉब्लम हुआ था, मैंने उनको बताया था कि आप या तो स्पीकर चेक करें या वायरिंग चेक करें, या फिर अंदर उसका ऊपर का जो ढक्कन होता है मशीन का उसको खोलें और अंदर में जो भी वायरिंग फॉल्ट होगा वो आपको दिख जाएगा, और भाई ने वैसा ही किया और यहाँ पर भाई को प्रॉब्लम मिला
और उन्होंने उसको ठीक कर लिया है और काफ़ी अच्छे से अब मशीन चल रहा है। वो तो अच्छी बात है कि मशीन को किसी प्रकार का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आया था, ज़्यादा मतलब कहा जाए नुकसान नहीं हुआ था, केवल वायरिंग ही हिट हुआ था जिसकी वजह से बॉडी में शॉर्ट होने की वजह से ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, अगर आपके भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई चांस अगर होता है तो आपको इसका आसानी से प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए मशीन को हमेशा सही वायरिंग करके चलाएं। अगर आप स्पीकर में चलाते हैं तो 1+1-- में वायरिंग करें, और अगर आप टर्मिनल में चलाते हैं मतलब बाइंडिंग पोस्ट में, तो उसमें तो प्लस माइनस का ऑप्शन दिया ही होता है, उसमें आप चला सकते हैं। वायरिंग अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें और मशीन को हमेशा अंडर लोड यूज़ करें, और ख़ास करके इसे 4 ओम्स पे रन करें। अगर आप 2 ओम्स रन करते हैं तो मशीन को अंडर लोड चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ओम्स पे थोड़ा बहुत ओवरलोड चल जाते हैं आसानी से, और 2 ओम्स पे चला रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें मशीन को अंडर लोड पे ही चलाएं। और अगर आपके किसी भी मशीन में इस टाइप का प्रॉब्लम, किसी भी कंपनी का मशीन हो, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि आहूजा में ही ऐसा प्रॉब्लम होता है या फिर किसी, दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम किसी भी मशीन में हो जाएगा अगर आप इस टाइप के गलत तरीके से चलाएंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मशीन को केयरफुली यूज़ करें, काफ़ी अच्छे से उसका देख रेख करें। आहूजा की 4500 की बात करें तो एक काफ़ी बेहतर मशीन है, इस पर आप आराम से 1000 वाट के 4 टॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 4 इंची वॉइस कॉइल वाले बेस स्पीकर रन करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भाई ने जो है गलत तरीके से रन किया था जिसकी वजह से इसका वायरिंग जो है जल गया था और मशीन जो है प्रोटेक्शन मोड में जा रहा था। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये छोटा सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया, तो वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल मैं इनका जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी मैं वॉइस के साथ आगे वीडियो प्ले करता हूँ, तो आगे जो वीडियो में आवाज़ होगा वो भाई का होगा। तो देखिए वीडियो इस मशीन के बारे में वो क्या बोल रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं डीजे मिशन जान बाबू, ये मेरा जो चैनल है ये फॉल्ट हो गया था, तो मैंने सूरज भैया से बताया प्रॉब्लम, उन्होंने बोला तो अभी ये ठीक हो चुका है, आपको मैं टेस्टिंग दिखा सकता हूँ। ये जो चैनल था दोस्तों, ये इसका जो प्लस माइनस होता है वो शॉर्ट हो गया था, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सूरज भैया के पास भेजा है वीडियो। ये जो प्लस माइनस होता है इसका, ये आपस में अंदर में ही शॉर्ट हो गया था, तो मैंने अभी इसमें टेप मार दिया अंदर, तो अभी ये ठीक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा बढ़िया चल रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख सकते हैं जो मेरी मशीन है फॉल्ट हो चुकी है, मेरे जो ऑपरेटर लोग थे वो ज़बरदस्ती इस पर 4 बक्सा की जगह 6 बक्सा दिए थे, और आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार शॉर्ट हो गया है ये सब। और अभी ये मेरी नवी मशीन थी, 1 साल भी नहीं हुआ, ये 52,000 की न्यू मशीन थी, और ये पूरा जल चुका है मेरा, और मेरे ऑपरेटर लोग जला दिए हैं, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता उन्हें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप किसी भी पावर एम्पलीफायर को गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, मशीन को हमेशा नियम से चलाएं, किसी भी प्रकार के इसमें ओवरलोड न डालें, और बाई चांस अगर आपके मशीन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू उसका सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस टाइप का डीजे सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।